एचपी गैस लोडेड ट्रक ने 8 भैंस को मारी टक्कर, 4 भैंस की मौत, 4 गंभीर रूप से हुआ घायल, मुआवजे की मांग। गुरुवार की सुबह खीनगर थाना क्षेत्र के बरोड़ा पंचायत के वार्ड संख्या 4 स्थित भोकराहा गांव में फारबिस गन से चलकर चंपानगर की ओर से पूर्णिया की तरफ जा रहे एक एचपी कंपनी के गैस लोडेड ट्रक ने 3 दुधारू भैंस और 1 भैंस के बच्चे को ठोकर मारकर मौत के घाट उतार दिया तथा 1 व्यक्ति को घायल करने के साथ ही 4 अन्य भैंस सहित को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जाता है कि घटना बाद गैस लोडेड ट्रक चालक अपनी ट्रक को भगाने में सफल हो गए। उक्त घटना से आक्रोशित हुए लोगों ने पीछे से आ रही 5 अन्य गैस लोडेड ट्रक को रोककर सड़क को 1 घंटे तक मुआवजे के लिए सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम होने की सूचना पर पहुंची केनगर थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के आश्वासन देने के बाद सभी जाम में फंसे गैस लोडेड ट्रक को मुक्त कराकर आवागमन को सामान्य बनाया। मिली जानकारी के अनुसार घटना करीब 4 से 5 बजे सुबह की है और सड़क जाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक रहा। पीड़ित मवेशी पालक परोरा पंचायत के वार्ड संख्या 4 पिपरा विशनपुर निवासी स्वर्ग सुलेमान का 65 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आविद ने बताया कि अपनी 7 भैंस और 1 भैंस के बच्चे सहित कुल 8 मवेशी को 4 से 5 बजे के बीच सुबह में चराने ले जा रहे थे कि रास्ते में बोकराहा लीची बागान के सामने सड़क को पार करा रहे थे। बताया कि उसी दौरान एचपी कंपनी के गैस लोडेड एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया जिससे 3 दुधारू भैंस और 1 भैंस का बच्चा सहित 4 भैंस को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अन्य 4 भैंस और मोहम्मद हफीज नाम के एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित मवेशी पालक ने बताया कि घटना से करीब 6 लाख रुपए की क्षति पहुंची है। उक्त घटना को लेकर परोरा पंचायत के समिति सदस्य तबरेज आलम ने बताया कि यह घटना कोई नया घटना नहीं है। बताया कि घटना को लेकर कई बार पुलिस प्रशासन को घटना पर विराम लगाने को लेकर गुहार लगाई गई है परंतु कोई असर अब तक नहीं हुआ है। बताया कि मवेशी पालक को करीब 6 लाख का नुकसान हुआ है और सरकार पीड़ित व्यक्ति को उचित मुआवजा दे। मवेशी पालक का एकमात्र भैंस ही जीविकोपार्जन का साधन था। नवपदस्थापित थानाध्यक्ष वरिष्ठ चंद्र यादव ने बताया कि पीड़ित मवेशी पालक द्वारा आवेदन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई कर दिया जाएगा। दरोग में चपा गया 5 भैंस। हम भैंस चराने जा रहे थे, दारू पी के। अजान क्या वजह होता है? अजान के बाद भैंस खोले हैं, सफा फर्चा हो गया तब खोले हैं भैंस। कसी बोलो कैसे हुआ, क्या हुआ? साहब ट्रक आ रहा था, सुनो मैं हमारा भाई इधर वजह से साइड होकर को उधर जाता था, हम उधर से भैंस को साइड कर लिए। हम जब बगल में भैंस को रहता तो हमारा खत्म, हम कहा भागो भागो भागो, हम भाग्य पूरा और पूरा हम भाग्य तो हमारा छोड़ को भैंसी जेराम ट्रक ढुका दिया। भागने कौन कर रहा है? जो सब यहाँ जगह था, हाँ उन लोग जगह था, सब बयान हो गया था, फराज हो गया था, सब उठ को नमाज तो जूतू जू बनाता था। वहाँ से भैंस को लाया है दोनों ठोक, यहाँ रोकवे न करता था, तब बांस करची ईंटो बरसाता था, गाड़ी नहीं रोक रहा था बगल करने में। हाँ मारा है 3 ठो, 2 ठो घायल हुआ। हाँ मर गया, सब ठो मर गया। सब आबी का है? हाँ सब ठो मर गया। हमको नाम आबित, नाम बकरा 4। आ भैंस से यहाँ से घिसते घिसते वहाँ ले गया, वहाँ ले गया। अब हम लोग रोकते रह गए, नहीं रुका, आज इधर लोग देखा उधर घुसा देता गाड़ी। हाँ तब गाड़ी हमने चोट लगे, हम छोड़ दिए खून से एकदम, नहीं रुका गाड़ी, पेट्रोल पंप पर रुका जाकर निकलते रह गया। 5 बजे
गाड़ी किधर से आ रही थी? इधर से चंपानगर से। हाँ पूर्णिया जा रहा था वो। क्या नाम है? मोहम्मद हफीज बकरा तीन। एचपी वाला गैस वाला जो गाड़ी आती है, रात को हो, सुबह को हो, दिन में हो, जिस वक्त भी आती है, ये अब तक 25 कांड कर चुका है। आदमी हो, जानवर हो, किसी को कुछ नहीं, एकदम स्पीड में ही निकलता है। कहीं साइड वीड का कोई मतलब नहीं है, अगर कहीं कादो पानी है कुछ है, दसियों कांड ये कर चुका है, जिसमें आदमी की मृत्यु भी हुई है। आज ये अच्छे अच्छे भैंस को जो है कि डैमेज कर दिया। प्रशासन को कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग पर्सनली जा के कहे हैं, जितना प्रतिनिधि है वो भी जा के कहे हैं, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आज की घटना के बाद क्या मांग क्या करते हैं कि उसका लाखों कम से कम 5-6 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सरकार से मांग करते हैं कि उसका जो मुआवजा हो प्रशासन उसको दिलावे, सरकार उसको दे। आदमी को भी घायल किया है। अग्रिम सुरक्षा के लिए क्या मांग करते हैं? अग्रिम सुरक्षा जो रोड का कानून है उसके अनुसार तो हम कुछ मांग नहीं कर सकते। उसमें ब्रेकर लगे या कुछ लगे, ब्रेकर लगने का तो प्रावधान है नहीं, लेकिन उस गाड़ी मतलब कम से कम गाड़ी से अच्छे ढंग से चलावे, आदमी जान माल का रक्षा करे, उसको देखते हुए गाड़ी चलावे कि नहीं, गाड़ी स्पीड में ना चलावे, यही ना मांग कर सकते हैं। वो तो कोई भी कहीं से भी जांच आ जाएगा, सिवाय इसके उसके पास एक डिसमल कोई भी जगह जमीन नहीं है, उसके पास एक डिसमल भी नहीं है, ये इसी से कमाना खाना था। आज के बाद तो वो भी उसका निरस्त हो गया। हाँ, वो भी निरस्त हो गया बेचारा, बेमौत मर गया वो। उसको जो है कि उस पर जितना जल्द हो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम, परोरा पंचायत समिति। एकाएक आँख बंद हो गया। क्या बजे का? 5 से पहले 4 से बाद। आप कहाँ से आ रहे थे? फारबीगंज से सुबह चल गए 3:30 बजे। चंपानगर? हाँ चंपानगर। भैंस किस दिशा से किधर जा रही थी? इधर से जा रहा था वो चंपानगर। इधर सब एक साथ चल रहा था? सब एक साथ चल रहा था। फर्स्ट को जब छोड़ते तो पता नहीं चला कि अरे ब्रेक लिए, सड़ते ब्रेक लिए, ब्रेक वो सट गया तो सब बाँस लेकर दौड़े लगा। तो कोई भी आदमी जान बचाने के लिए करबे ना, भागबे ना करे। BR21GA5642। मांग है जो मेरा फुफा है आबिद आलम, उसका भैंस जो ट्रक से जो ड्राइवर साहब चीप दिए हैं उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उसका भैंस से ही दूध बेच के, घी बेच के, गोबर बेच के ही भरण पोषण करते हैं अपने बच्चे को। एक कट्ठा उसको ज़मीन भी नहीं है, सिर्फ वसवास के लिए ज़मीन है। जिस टाइम घटना हुई वहाँ से फ़ोन किए थे तो हम लोग गए थे। गाड़ी चालक ड्राइवर तो आ रहे थे तो यहाँ बैठाए हैं, रखे हैं कि बैठिए। जब नहीं होंगे तो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई क्या जाएगा? मोहम्मद मुर्तुजा आलम।